प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में हम देखते हैं कि इस आत्मज्ञान से सभी का व्यवहार एक दूसरे के प्रति स्नेह, समानता और सम्मान का है। आत्मा स्वयं के निजी गुणों में बहुत शुद्ध और सकारात्मक है। आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। तो जब हम आत्मचिंतन करते हैं तो आत्मा के गुणों में हम मन को स्थित करते हैं। ये हमारे निजी गुण हैं जो हम स्वयं चाहते भी हैं। हर इंसान प्रेम से रहना चाहता है, कोई भी अपने जीवन में नफरत या क्रोध नहीं चाहता। हर इंसान अपने जीवन में सुख चाहता है, कोई भी दुख नहीं चाहता। इसलिए हम जो भी प्रयास करते हैं वो सुख के लिए ही करते हैं। हर इंसान अपने जीवन में खुशी चाहता है। लेकिन जब हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, तो जैसी हमारी स्मृति होती है वैसी ही हमारी स्थिति बनने लगती है। तो इन गुणों को हम भीतर से स्वयं में अनुभव करते हैं और आध्यात्मिकता परमात्मा के साथ भी हमारा संबंध अनुभव कराती है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वो शांति के सागर है, वो प्रेम के सागर हैं। तो जब उस पावर सोर्स से हमारा कनेक्शन होता है तो हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होने लगती है। और ये गुण यदि हमारे अंदर हैं तो हम स्वतः ही सबको देने वाले दाता बन जाते हैं। हमें आवश्यकता नहीं कि पहले हमें कोई ऐसा व्यवहार करे तब हम उनके साथ करें, लेकिन हमारे अंदर वो गुण भरपूर हैं। तो हम स्वतः ही दूसरों को भी वही अनुभव कराते हैं और परिवार में वो सुख शांति का वातावरण होता है। पर इसके लिए आवश्यक है कि अपने लिए हम प्रतिदिन समय निकालें, प्रतिदिन हम ये अभ्यास करें, क्योंकि जो भी हमारी कमियां हैं, जिसको हम विकार कहते हैं, इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, या हम कहेंगे कि किसी को संग्रह करने की आदत है, हम दूसरों से तुलना करते हैं, इसके पास ये है, उसके पास ये है, तो मेरे पास भी ये सब कुछ होना चाहिए, और उसके कारण कई बार जैसे पति पर दबाव डालते हैं, और अगर वो उतना धन नहीं कमा सकते कि आपकी इच्छाएं पूरी करें, तो फिर वो भ्रष्टाचार भी करते हैं। केवल अपने परिवार को संतुष्ट करने के लिए कई बार उन्हें गलत रास्ते अपनाने पड़ते हैं। इसमें भी कहीं ना कहीं महिलाएं जिम्मेवार होती हैं। हम देखते हैं उसके पास इतने गहने हैं, हाँ मेरे पास भी होना चाहिए, उनका घर इतना अच्छा है, मेरा भी होना चाहिए, उनके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास भी होनी चाहिए, लेकिन अपनी क्षमता नहीं देखते। तो हर एक इंसान के अपने कर्म और अपनी अपनी प्रारब्ध होती है। अगर हम दूसरों से तुलना करते हैं और उस अनुसार अपनी इच्छाएं बढ़ाते जाते हैं, तो उन इच्छाओं का कहीं अंत नहीं है। भगवान ने जो हमें विशेषताएं दी, हमें भाग्य दिया है, हर इंसान को अपने जीवन में कुछ ना कुछ विशेष प्राप्त होता है। जो हमें प्राप्त है वो दूसरों को नहीं होता, जो दूसरों को प्राप्त है वो हमें नहीं होता। तो जो मुझे भाग्य मिला है जीवन में, उसे हम आगे बढ़ाएं। इसलिए कहते हैं तुलना अपने आप से ही करनी चाहिए, दूसरों से नहीं। कहते हैं दूसरों की थाली में हमेशा लड्डू बड़ा दिखाई देता है, जबकि लड्डू मेरे पास भी होता है। तो मैं अपने जीवन में क्या लक्ष्य रखती हूँ, हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, कल हम कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं, और मुझे कहाँ पहुँचना है। हमें अपने जीवन को देखना है, हम संतुष्ट हैं, हम प्रसन्न हैं, हम सुखी हैं, मेरा सुख, मेरी प्रसन्नता, मेरी संतुष्टता किस में है, वो हम देखें। तो आध्यात्मिकता से वो संतुष्टता हमारे जीवन में आती है। आध्यात्मिकता हमें परोपकारी बनाती है, आध्यात्मिकता हमें शांति सिखाती है, आध्यात्मिकता हमें प्रेम सिखाती है।
और यदि हम स्वयं इन गुणों को अपने जीवन में धारण करते हैं तो स्वतः ही परिवार तक भी वो पहुंचता है। और जो भोजन भी हम बनाते हैं परिवार के लिए, अगर हम ईश्वर की याद में वो भोजन बनाते हैं तो ईश्वर की याद में बनाया हुआ भोजन वैसे ही वाइब्रेशंस उस खाने में आ जाते हैं। कहते हैं जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है, वो शक्ति भर जाती है उसके अंदर, वो प्रसाद बन जाता है। और आज वर्तमान समय में आवश्यकता है कि हम इस प्रकार का भोजन खाएं। तो अपने बच्चों को, अपने परिवार को हम ऐसे ऐसा भोजन खिलाएं। तो वर्तमान समय में हम अपने आप को देखें कि हम स्वयं में परिवर्तन ला करके अपने परिवार में, अपने समाज में और अपने देश में परिवर्तन लाने के लिए कुछ ना कुछ भूमिका अवश्य निभाएं। अगर हम एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो हमें हजार कदम का सहयोग ईश्वर से मिलता है, हमें अन्य का भी सहयोग मिलने लगता है। ऐसे नहीं कि हम अकेले होते हैं किसी भी कार्य में, लेकिन अगर हम हिम्मत रखते हैं तो हमें सहयोग मिलता है। तो हम एक-एक करके इन कुरीतियों को, इन बुराइयों को जो आज भी हमारे समाज में फैली हुई हैं, इन्हें समाप्त कर सकते हैं। बस हमें दृढ़ संकल्प करना होगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।